प्रदेश की धामी सरकार ने विधायकों से प्राप्त विकास के कार्यों के करीब 700 प्रस्तावों में से 235 प्रस्तावों को हरी झंडी दिखा दी है। इन सभी प्रस्तावों के शासनादेश जारी कर दिए गए हैं। अब जल्द ही इन पर काम भी शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी विधानसभा सदस्यों से उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 10-10 प्रस्ताव मांगे थे। सभी सदस्यों की ओर से शासन को करीब 700 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों में से 33.57% प्रस्ताव की विजिबिलिटी जांचने के बाद मुख्यमंत्री ने उनको हरी झंडी दिखा दी। सीएम के द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद उनके शासनादेश जारी कर दिए गए हैं और संबंधित विभागों के स्तर पर उन सभी प्रस्तावों पर काम भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि 700 में से जिन 235 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है उनमें 75 प्रस्ताव विपक्षी दलों के विधायकों के हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय को विधायकों की ओर से जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उनमें ज्यादातर प्रस्ताव स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और बिजली की समस्याओं से संबंधित थे। कई विधायकों ने अपने अपने चुनाव क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उच्चीकृत करने, अस्पतालों में चिकित्सीय जांच से जुड़े उपकरण उपलब्ध कराने, विद्यालय और कॉलेज के पुराने बदहाल भवनों के सुधारीकरण, कॉलेज के उच्चीकरण, सड़कों और पुलों और तटबंधों के निर्माण, स्वरोजगार और आजीविका आधारित योजनाओं के लिए अवस्थापना सुविधा उपलब्ध कराने, विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसफार्मर बदलने या ज्यादा क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाने समेत कई अन्य विकास कार्यों के प्रस्ताव भेजे थे। देखिए, विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी विधायकों से प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन हमने तब भी कहा था कि जो भी प्रस्ताव मांगे जाएं और जो भी विकास कार्य हो वो निष्पक्ष रूप से होने चाहिए और विधायकों को जो है समानता के आधार पर जो है कार्य आवंटित होने चाहिए, क्योंकि प्रदेश जो है सभी का है और चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, निश्चित तौर पर हर विधानसभा की क्षेत्र की जनता का अधिकार है कि उसके क्षेत्र में जो है समान रूप से विकास हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विपक्ष के विधायकों के साथ लगातार जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है और समानता के आधार पर वहाँ विकास नहीं हो रहा। लगातार हमारे विधायक जो है सरकार के सम्मुख विकास के प्रस्ताव रख रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर उनकी जनता भी उनसे जो है विकास के मुद्दे पर सवाल करती है। मुख्यमंत्री की तरफ से तो विधायकों के प्रस्तावों को जांचने के बाद हरी झंडी दे दी गई है, लेकिन विपक्षी विधायकों के कम प्रस्ताव मंजूर होने पर विपक्ष का पारा गर्म होने लगा है। कांग्रेस के उपनेता सदन भुवन कापड़ी की माने तो उनके विधानसभा से जुड़े 10 विकास कार्यों के प्रस्ताव 2022 में ही मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए थे, जिनमें से एक भी प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ। अब ऐसे में विकास करने के दावे जो सरकार करती है वो सिर्फ उनके जुमले होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी विधायकों से अपनी विधानसभा के प्राथमिकता के आधार पर 10 कार्यों को मांगा गया था, जिसमें मेरे द्वारा 19-10-2022 को 10 कार्यों की सूची माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जमा कराई गई थी, जिसमें से एक कार्य जो खटीमा विधानसभा के अंदर पहले से गौशाला का कार्य प्रगति पर था वो कार्य चल रहा है, और उसके अलावा कोई भी काम चाहे वह ऐठा नाला पे ऊपर से कवर की बात हो, चाहे खटीमा में अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए अम्बेडकर भवन की बात हो, चाहे खटीमा में पुस्तकालय की बात हो, खटीमा नगर पालिका के अंतर्गत 7 किलोमीटर इंटरलॉक टाइल की बात हो, मेलाघाट गांव में 3 किलोमीटर इंटरलॉक टाइल की बात हो, जीरो बंदा से जो बाईपास है गांधी से जीरो बंदा बाईपास वाला कार्य हो, तो उनमें से कोई भी कार्य अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया। विधायकों के प्रस्ताव पर राजनीति भी तेज होने लगी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलने लगा है। कांग्रेस की तरफ से जहां आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष के विधायकों की भाजपा सरकार में उपेक्षा हो रही है और विकास के कामों में भी भेदभावपूर्ण रवैया सरकार के द्वारा अपनाया जा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के आरोपी को बेबुनियाद बताने का काम किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष को अपने जमाने को देखना चाहिए। ये पहल जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने की है कि तमाम जितने भी विधायक हैं, 70 के 70 हमारे जो MLA हैं, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबसे प्रस्ताव मांगे गए और जितने प्रस्ताव उन्हें दिए हैं, जितने जितने प्रस्ताव दिए हैं सभी प्रस्तावों पर देख करके और जो अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे हैं सब पर मोहर लगी है और सबको सारे विधायकों को दिए। कांग्रेस अपने ज़माने को देखे ना, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष पर ही कांग्रेस के ज़माने में कांग्रेस के ही विधायक आपस में लड़ा करते थे कि फलां विधायक को ज़्यादा मिल गया, फलां विधायक को कम मिल गया,
और PMJSY की सड़कों पर जिस प्रकार से कांग्रेस के ज़माने में लड़ाइयाँ हुई करती थी कि मुख्यमंत्री के करीबी जो विधायक होते थे कांग्रेस के ज़माने में उनको ज़्यादा मिल गया, जो अन्य धड़े के होते थे वो प्रश्न चिन्ह लगाते रहते थे, तो ये कांग्रेसियों का काम है। उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है और राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हमेशा ही चुनौतीपूर्ण रही हैं, लेकिन जनता को उम्मीद रहती है कि उनके जनप्रतिनिधि विकास की योजनाओं से विकास के कार्यों को धरातल पर उतारेंगे और जनता को उनका लाभ मिलेगा और पहाड़ के पहाड़ जैसी जिंदगी आसान होगी। लेकिन विकास के कार्यों में भी सत्ता पक्ष के ज्यादा और विपक्ष के कम कार्य होने पर जनता अपने को मायूस और जनप्रतिनिधि उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।